नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। इस बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की अहम खबर से। अफगानिस्तान से भारतीयों के वतन वापसी के अभियान में आई तेजी। अफगानिस्तान से भारतीयों को लेकर विस्तारा की एक और फ्लाइट अब से थोड़ी देर पहले दिल्ली पहुंची। इस फ्लाइट में दूसरे यात्रियों के साथ 11 भारतीय सवार थे। इससे पहले सुबह करीब 5 बजे विस्तारा की एक फ्लाइट से 104 भारतीय स्वदेश लौटे, जबकि 2 अलग अलग विमानों से 31 और भारतीय देश लौटे। आज अब तक 146 भारतीय वापस देश लौट चुके हैं। तो अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद वहां फंसे लोगों को निकालने का काम लगातार भारत सरकार द्वारा जारी है। भारत भी अफगान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन चला रहा है। कल सुबह यानी रविवार सुबह को भी काबुल से फ्लाइट भारत में लैंड हुई थी। इसमें कुल 168 भारतीय वापस आए थे और आज भी 146 भारतीयों की वतन वापसी हुई है। और इसी खबर से जुड़ी 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भारत लौटे हैं 146 भारतीय। कल 400 की वतन वापसी हुई थी और देखिए किस तरह से विमान के अंदर भारत माता की जय के नारे लगाए गए थे। ग्लोब मास्टर से 168 यात्री भारत लौटे थे। उससे पहले हम उधर ही काम करते थे, एम्बेसी में काम करते थे। क्या कुछ हालात थे वहाँ पे पहले और तालिबान जब सत्ता में, उसके बाद क्या? पहले तो ज्यादा कुछ था नहीं, नॉर्मली था। जब तालिबान भी आया तो उससे पहले हम लोग वहाँ से खाली करके चले जा चुके थे। यूएस एम्बेसी के साथ थे हम लोग, पहले निकल गए थे। उसके बाद किस तरह से आप वहाँ से निकले थे, कतर के? यूएस एम्बेसी के थ्रू थे। यूएस एम्बेसी का फ्लाइट आया था हमको लेके, कतर गया। वहाँ पे आर्मी बेस था हम लोग। वहाँ पे कितने लोग थे आप लोगों के साथ? ऑलमोस्ट 300 लोग थे। 300 लोग। इंडियंस थे, अमेरिकन थे, सबको एक साथ लेके चले गए थे। यहाँ से कैसे एम्बेसी से कैसे बातचीत हुई निकलने को लेकर? यूएस एम्बेसी ने इंडियन एम्बेसी के साथ बात किया था कि हमारे कुछ लोग हैं ये वो, तो उन्होंने अरेंजमेंट किया सब कुछ। इवन कतर एयरपोर्ट में भी वो लोग आए थे, इंडियन एम्बेसी के लोग आए थे हमको निकालने के लिए। तो ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से लगातार भारतीयों का वतन वापसी का सिलसिला जारी है। अफगानिस्तान से भारतीयों को लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान से 146 भारतीयों का दूसरा जत्था आज भारत वापस आ चुका है। 140 लोगों को पहले दोहा पहुंचाया गया था, वहीं से उन्हें लाया गया है। और भारतीय दूतावास के लोगों ने इस ऑपरेशन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। और तस्वीरें आप देखिए, ये वो भारतीय हैं जो अफगानिस्तान में फंस गए थे और किसी तरह से रेस्क्यू कर इन्हें अब भारत वापस लाया जा चुका है। 3 तस्वीरें इसी खबर से जुड़ी आपको दिखा रहे हैं। और दूसरी तस्वीर में आप देखिए, वो भारतीय जब वतन वापसी उनकी हो रही थी तो विमान के अंदर से भारत माता की जय के नारे उन्होंने लगाए। और इस बड़ी खबर पर लगातार नजर हमारी बनी हुई है। अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे, अब देख लेते हैं नॉनस्टॉप खबरें।